सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपी इंतखाबात पर अजहुद नोटिस केस की समाअत। नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पाकिस्तान बार काउंसिल का जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजाहिर नकवी पर एतराज। फरीकैन को लार्जर बेंच की बजाय फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक नाइक ने अदालत में कहा, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मजाहिर नकवी के बेंच में शामिल होने पर एतराज है। दोनों जजेस से कोई जाती अनाद नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट के बाद दो जजेस को इस बेंच से अलग कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जजों के मामले पर एतराजात पीर को सुनेंगे। अजहुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस को है। महसूस हुआ आइन खुद इस अदालत का दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे लगता है हमने सब सियासी पार्टियों को नोटिस जारी किए और सब मौजूद हैं। जस्टिस अथरमिन अल्लाह ने कहा, क्यों ना मामला फुल कोर्ट में सुना जाए। वकील अवामी मुस्लिम लीग अजहर सिद्दीक ने दलाल देते हुए कहा कि सियासी लीडर्स को अदलिया को बदनाम करने की इजाजत क्यों दी जा रही है, ये बहुत संजीदा इशू है। केस की समाप्त मेरी दरख्वास्त है आपकी फसासत से, इस हाउस की फसासत से, अदालत उज़्मा के आगे दस बदस्ता के पूरा बेंच बना के, पूरा पूरे कोर्ट का बेंच बना के जो है पनामा से स्टार्ट करें। इस मुल्क के साथ जो आईनी और कानून के लबादे के अंदर जो इस मुल्क के साथ और खुसूसन सियासी बरादरी के साथ जो ज्यादती हुई हैं, एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पिछले 4-5 साल के अंदर इस मुल्क को तहवाला कर दिया। भुट्टो की सियासी शहादत और नवाज शरीफ की आईनी शहादत अदलिया ने की, अब वक्त है कि अदलिया अपनी इज्जत और वकार के लिए शहादत दे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम सवाल उठाएंगे। पूछना चाहता हूँ, कुछ जजेस पर तनकीद होती है तो दीगर पर क्यों नहीं होती? पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए हैं उसका अजाला करें। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील दुरुस्त नहीं है। आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं है। फुल कोर्ट बनाकर पानामा केस से लेकर तमाम केसेस पर नजरसानी की जाए। पीटीआई की जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है। किन लोगों ने दहशत गर्दों को लाकर दोबारा बसाया? क्या हम खुद एहतसाबी करेंगे? पाकिस्तान इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है। IMF से गो के इंशाल्लाह मामला तय हो जाएंगे। बहुत एक कड़ी शरायत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पहले है और बाकी चीज़ उसके मातहत है। बदकिस्मती से एक तबका जो सड़कों पर मामलात का हल चाहता है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपेक्स कमेटी इजलास में इमरान खान के नाम बगैर तनकीद, कहा कि इन मामलात उन लोगों को भी मदऊ किया गया जिनको सीधी तरह से मामलात हल होता देखना नहीं चाहते। दावत के बावजूद उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि इजलास में आए। वो अब भी कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों पर बैठकर मामलात तय करें। इत्तेहादी हुकूमत ने अपनी सियासत मुल्क को बचाने के लिए दांव पर लगाई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम हर लिहाज से नागुजीर है। IMF से मामलात 8 से 10 दिन में तय हो जाएंगे। आज भी मालियाती इदारे की कड़ी शरायत कबूल करने के लिए तैयार हो गए हैं। अगर हम अपने घर के हालात खुद दुरुस्त नहीं करेंगे तो कोई दूसरा मदद को नहीं आएगा। कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशत गर्दों का मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, अस्करी हुकाम और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों की शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी सूरतेहाल और दहशतगर्दों से निमटने से मुतल्लिक गौर किया गया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात, मुल्क की सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोला था। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। किसी की ऑडियो निकाल दो, किसी की वीडियो निकाल दो, पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को, पूरी आबादी को इस वक्त एक ब्लैकमेलर गवर्नमेंट का, एक ब्लैकमेलर माफिया का सामना है। मरियम नवाज ने अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया। मरियम नवाज का ख्याल है वो अदलिया को दबाव में ले आएंगी।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की सियासी मुखालफीन पर चढ़ाई, कहा पीटीएम अदलिया से महाजराई में दाखिल हो चुकी है। दूसरों को गालियां निकालकर आपकी कारकर्दगी नहीं छुपने वाली। कासिम सूरी की रूलिंग मुस्तरद करने वाले 5 जजेस भी इस बेंच में भी शामिल हैं। अदलिया आइन के साथ ना खड़ी हुई तो आइन नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश है आइन के साथ खड़े हों, ब्लैकमेलिंग में ना आए। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट से आइन का तहफ्फुज चाहती है। कौपी असेंबली की 27 नशिस्तों पर जमीनी इंतखाबात रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। पीटीआई के 32 सरकारी कौपी असेंबली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। रुकनियत बहाल, इमरान खान की जीती हुई 6 नशिस्तें खाली करार देती। इमरान खान के पास सिर्फ NA-45 कोरम की नशिस्त रहेगी। रावलपिंडी के 6 हल्कों में होने वाले जमीनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। फैसलाबाद, खुशा, लाहौर के जमीनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए। मुल्तान, बिहाड़ी, डेरा गाजी खान, महमिया खान और लोहिया में भी जमीनी इंतखाबात मुलतवी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज। रावलपिंडी में फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी समेत 150 से जायद कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। सरबराह मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन अलामा राजा नासिर अब्बास ने साथियों समेत गिरफ्तारी दी। शेख रशीद, आमिर गयानी, गुलाम सरवर, वासिक उयूम, राजा बशारत, राजा राशिद हफीज कमेटी चौक आए, तकरीरें की और गिरफ्तारी दिए बगैर वापस चले गए। पुलिस गिरफ्तार कारकुनों को लेकर रेडियो पाकिस्तान के सामने मौजूद। गाड़ी से उतरने की दरखास्त, पीटीआई रहनुमाओं ने इनकार कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी की वालिद से मिलने के लिए इजाजत देने की इस्तदा। जस्टिस शहराम सरवर ने कहा, आप तो खुद कह रहे थे गिरफ्तार करो, अब जल्दी क्या है, बताएं कि आप खुद गाड़ी में नहीं बैठे, आप लोग तो खुद गिरफ्तारी देने गए, आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि ये अलामती गिरफ्तारियां थी, हम जमानत नहीं मांग रहे। जस्टिस शहराम सरवर ने जैन कुरैशी से पूछा, आपके वालिद को भी हिरासत में लिया हुआ है। जैन कुरैशी ने कहा, जी किया हुआ है गिरफ्तार, हमें वालिद से मिलने दिया जाए। अदालत ने पीर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जेल भरो तहरीक वाले गिरफ्तारियों से भागते फिर रहे हैं। रहनुमा नून लीग तलाल जौहरी का तंज, कहा लीडर नवाज शरीफ जैसा होना चाहिए जिसने कभी कारकुनान को ढाल नहीं बनाया। पीटीआई को अब सियासत के लिए किसी का कंधा मुयस्सर नहीं। पीटीआई अदलिया के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाती रही। फवाद चौधरी सिर्फ बातों की हद तक इनकलाबी हैं। मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग अदलिया पर हमला आवर है। अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने दो टोक बता दिया। साबिक अरकाने कौमी और सूबाई असेंबली से मुलाकात में कहा कि नून लीग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इदारों को मुतनाज़े बनाती है। पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। पंजाब और केपी के असेंबलियां तहलील हो चुकी, इलेक्शन कराए जाए। पिशावर में पीटीआई इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। एक शख्स ने भी पुलिस की मेहमान नवाजी को कबूल नहीं किया। सूबाई वजीर इतलासन शर्जील मेमन के ताक ताक कर निशाने, कहा पुलिस मेगाफोन पर जेल जाने की दावत देती रही लेकिन कोई ना आया। पीटीआई रहनुमा पुलिस गाड़ियों के साथ सेल्फियां लेकर रफू चक्कर हो गए। और पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम स्पॉटिफाई के मकबूल तरीन पाकिस्तानी गुलकारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए।